बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के स्वतंत्र देव सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए उनकी पीसी में लिए चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं आपको। अखिलेश जी, आपको याद रखना चाहिए कि राज्य में सत्ता बदल चुकी है और व्यवस्था भी बदल गई है। उत्तर प्रदेश में पुलिस आम आदमी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अराजकों, गुंडों और अपराधियों को मनमानी करने की छूट नहीं देगी। अखिलेश जी, आप मुस्लिमों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? कौन सी राजनीति है जिसके तहत आप पूरी कौम को बदनाम करना चाहते हैं, उनके विकास की गति को रोकना चाहते हैं? बिल सदन में बहस के बाद पारित हुआ था, सदन में तो आप बहस से बचते रहे और अब सड़क पर दंगों के साजिश में आपके सांसद, विधायक और नेताओं की भूमिका सामने आ रही है। लोक भवन एक आरोप लगाए हैं अटल जी की स्टेचू जो लगने जा रही है, लोक भवन सरकारी पैसे से बना है, न कि समाजवादी पार्टी से लोक भवन बनवाया है। अखिलेश यादव जी अभी सरकारी सुविधाओं को मोह नहीं छोड़ पा रहे, उन्हें अभी भी मुख्यमंत्री आवास कार्यालय की याद सता रही है। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, श्रद्धेय देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लोक भवन में लगाए जाने के लिए योगी सरकार के फैसले का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते संगठन पुरजोर से स्वागत करती है। श्रद्धेय अटल जी भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु थे, उन्हें किसी दल में बांधना उचित नहीं है। अखिलेश जी को लगता है कि आप अपनी सरकार के फाइलें पढ़ रहे हैं। योगी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 438 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आए, जिसमें से 2 लाख करोड़ से अधिक जमीन पर उतर चुके हैं और उन पर काम भी शुरू हो चुका। सत्ता के अहंकार, पिता की मेहनत से विरासत मिली कुर्सी पर बैठे अखिलेश जी को जमीनी हकीकत का पता नहीं है। सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव सहित समस्त विपक्षी दलों से अपील करता हूं कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल या सत्ता देश से बड़ी नहीं होती। व्यक्ति से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा देश। देश के हित में कोई भी निर्णय होता है तो सभी पार्टियों को माननीय मोदी जी के साथ खड़ा रहना चाहिए। इसलिए अपना राजनीतिक हित साधने के लिए भ्रम व झूठ न फैलाएं। उत्तर प्रदेश शांति के मार्ग पर चल रहा है, कानून व्यवस्था यहां अच्छा था, इसलिए उसी रास्ते पर चलते रहें और गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी, इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, दलित, शोषित, वंचित, मुसलमान, ये जो भी सभी गरीब हैं, इनका विकास होता रहे, उसको अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश न करें, दंगा के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को न ले जाएं। CAA के बाद से कई मुस्लिम धर्म गुरुओं, सूफी संतों और मुस्लिम समाज के गणमान्य जनों सहित अन्य लोगों से लगातार मेरी स्वयं भेंट व संवाद हुआ है। सभी का यही कहना है कि ये जो निर्णय माननीय मोदी जी, अमित शाह जी ने लिया है, ये देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, समाज के हित में है, गरीब के हित में है, और ये निर्णय देश के विकास के लिए है और मुसलमान विरोधी ये बिल नहीं है। सपा, बसपा, कांग्रेस फंडिंग के माध्यम से राज्य को और देश को गुमराह कर रही है और ये एक तरह का दंगा भड़काने का काम कर रही है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि प्रदेश के लिए सही निर्णय लें, आंदोलन प्रदर्शन करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोई मुद्दा मिले, लगता है कि सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा मिल रहा है, कोई मुद्दा ही नहीं है। नोटबंदी की बात करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेंगे, एयर स्ट्राइक की बात करेंगे,
335 ए की बात, 370 की बात करेंगे, 35 ए की बात करेंगे, ये सभी निर्णय राष्ट्र हित, देश हित, गरीब हित और दलित हित सभी के पक्ष का निर्णय है। इसको खुलकर यदि आपको विरोधी करना है तो आमने सामने आकर बोलो ना, सोनिया को भी बोलना चाहिए कि गलत निर्णय हुआ है, राहुल को भी बोलना चाहिए, प्रियंका को, अखिलेश को भी बोलना चाहिए सामने कि जितने भी निर्णय हुए हैं, नोटबंदी, जो भी निर्णय, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या 370, 35 से 3 तलाक और अभी जो CAA हुआ है, तो आप आकर सामने बोलो, नौजवानों को गुमराह मत करो, गलत तरीके से उनको सम्मत समझाओ कि आपके विरोध में हुआ है, आपके गलत हुआ है, आपके पक्ष में, आपको घर से निकाला जाएगा, आप किराए पर रहते हैं तो आपको मकान नहीं मिला, किसी मुसलमान का कोई तकलीफ नहीं होगी, अमन चैन से वो हिंदुस्तान में रह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो लोगों के लिए बिल एक्ट बना है, सिख, बौद्ध, ईसाई, फारसी, जैन, जो लोगों को बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जिसका उत्पीड़न हुआ है, जिनके खिलाफ अत्याचार हुआ है, वो लोगों को हिंदुस्तान में शरण के लिए बिल है, उनके सम्मान के लिए बिल है, उसके खुशहाली के लिए बिल है, किसी के विरोध में बिल नहीं है। 144 उल्लंघन किया, कानून का माखौल उड़ाना, कानून को तोड़ना सपा की संस्कृति है। जब सपा प्रमुख के कानून तोड़ना अपनी उपलब्धि मानते हैं तो उनके कार्यकर्ता तो उनका अनुसरण तो करेंगे। प्रदेश सरकार ने सुनियोजित साजिश से सपा, कांग्रेस, वामपंथियों के दंगा भड़काने की उत्सित मंशा को विफल करके पूरे प्रदेश में शांति बहाल किया है। प्रदेश सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान हुआ है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो खर्च आया है, उस उपद्रवी तत्वों से वसूला जाएगा। जो जुर्माना नहीं दे पाएंगे उनकी संपत्तियों की नीलामी करके भरपाई होगी। ये मुख्यमंत्री के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह के नेतृत्व में भारत में शरण लेने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी लोगों के जीवन में आशा, विश्वास, सुरक्षा और आस्था का एक नया संचार होगा हुआ है। साथ ही उन गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला है। हम चाहते हैं कि देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो भ्रम, झूठ फैलाया जा रहा है वह दूर हो और धीरे धीरे ये भ्रम टूट भी रहा है और जनता को सच्चाई का पता भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के द्वारा देश व प्रदेश में फैलाई जा रही अफवाह, भ्रम, झूठ की राजनीति को जवाब देने के लिए प्रदेश में जनता के बीच CAA का सच बताने के लिए अभियान शुरू करने जा रही है। 26 दिसंबर से 25 जनवरी 2020 तक राज्य के अंदर संपर्क अभियान के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से 26 दिसंबर से 25 जनवरी 2020 तक संपूर्ण अभियान चलेगा। सामाजिक संपर्क के अभियान से, संपर्क अभियान के संवाद, रैलियां, पदयात्रा के माध्यम से, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, और एक महत्वपूर्ण है कि नागरिकता सहायक ऐसे शरणार्थियों का पंजीकरण भी होगा। इसके लिए प्रदेश ने अपने गोविंद शुक्ला जी राज्य का इंचार्ज बनाया गया है इस अभियान के तहत। विद्यासागर जी हमारे प्रदेश महामंत्री दो हैं और आदरणीय पाठक जी और प्रकाश पाल जी, इस अभियान को गति देने के लिए 24 को कार्यशाला बुला दिया गया। प्रत्येक जिले से दो दो कार्यकर्ता इस अभियान को इंचार्ज रहेंगे और क्षेत्र के में दो दो प्रमुख कार्यकर्ता इस अभियान का इंचार्ज रहेंगे। समाज के अंदर जो दुर्भावना फैलाई जा रही है, गुमराह किया जा रहा है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव, गली-गली और मोहल्ले-मोहल्ले हर स्थानों तक
जन जागरण करने का निर्णय लिया है और आप सबका स्वागत करता हूं। इतना शीघ्र आप बुला आए, कष्ट हुआ, इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीए पर भ्रम फैला रही हैं विपक्षी पार्टियां, किसी भी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगी, अखिलेश यादव को हकीकत मालूम नहीं, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह के हालात इस वक्त यूपी में हो रहे हैं उसे लेकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। सपा और बसपा जिस तरीके की राजनीति कर रही है और भ्रम फैला रही है, उसे भ्रम फैलाने से बचना चाहिए। लोग जो हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि कोई भी भारतीय नागरिक जो है उसके खिलाफ ये कानून नहीं है।